हो गया जीवन में। शाला शाला, आर यू रेडी? चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ आना। आर यू रेडी गाइस? दूसरी आ गई क्या प्यास बुझाने वाली? नालायक लोग। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। हाँ आते रहेंगे, अभी आने वाले को कौन रोक सकता है। ये क्या चल रहा है जीवन में? कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। अरे यार एडीजेड सर का सेटअप में मैं वही बोलूं क्या हो गया। चलो नहीं किस रूप में आके। चलो गाइस स्टार्ट करें, बोलो हाँ आना। एवरी बॉडी लेट्स गो। सबसे पहली बात, आज हम जीसीए को एंड करने वाले हैं, द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, समय की बहुत बड़ी सीमा है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना फोकस। क्या हुआ, गाना सुनना ही है तुमको? ओके सुन लो। लेट्स गो। कौन सा गाना सुनते हो जो पता है तुमको? तुमको टोनी कक्कर के गाने पता है नाला को? कुर्ता पैजामा काला काला काला। चलो सुन लो गाना। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में, जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बता। ये जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा,
एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मुझको हीरा दे दे, सपने देवा दे दे, मेरी दुआओं से इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करा दाए, कर दे इधर भी तू गाहे, सुन रहा है ना तू, सो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों सो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, सो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों सो रहा हूं मैं। चलो राजन, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सिलेबस बेटा 7:45 बजे तक की क्लास लेनी है जीवन में, तो अपने को पढ़ना भी पड़ेगा ना, थोड़ा सा ऐसा ना हो जाए लेक्चर ली गाने में निपट लिया करके। हाँ आना, चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ आना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जनरल क्लॉजेस एक्ट में जीवन में हमने इसके पहले का कहा देखा था, वो देख लेते हैं पहले। कुछ याद है जनरल क्लॉजेस एक्ट का कि गया सब? कुछ तो याद होगा, लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ टाइप्स। एकदम शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं, एकदम शॉर्ट में, कि भाई जनरल क्लॉजेस एक्ट में इसके पहले हमने का देखा था। सबसे पहले हमने बच्चों यह देखा था कि जनरल क्लॉजेस एक्ट बनाया क्यों जाता है, फिर हमने देखा था जनरल क्लॉजेस एक्ट की अप्लीकेबिलिटी और हिस्ट्री किस प्रकार है, फिर हमने देखा बेटा एक सेकंड बच्चों, अरे मेरे प्यारे नालायको सुनो, ध्यान दो, मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूं, टेक योर प्लेसेस फास्ट और ध्यान दीजिए। उसके बाद में हमने देखा था टाइमलाइन, हाउ द जनरल क्लॉजेस एक्ट वर्क्स इसके लिए, फिर उसके बाद में वी हैव गॉन फॉर द एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने एक बहुत भारी डेफिनेशन देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कौन से गवर्नमेंट का बोले एक बार, सीजी, और फिर ये होने के बाद में वी हैव मूव फॉरवर्ड और हमने कुछ डेफिनेशन देखे थे जैसे इंडियन लॉ, इंप्रिजनमेंट, मंथ, ओथ, ऑफेंस, रूल्स, शेड्यूल, सेक्शन, सबसेक्शन, राइटिंग एक्सेट्रा। आज नियरली हम है सेक्शन नंबर 4 के ऊपर, कौन से सेक्शन के ऊपर बोले बाद उसे 4, और सेक्शन नंबर 4 आज हमको देखना है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ द फॉरगोइंग डेफिनेशंस टू द प्रीवियस एनैक्टमेंट। नाउ पूरा ध्यान मुझे पूरे सिलेबस के ऊपर, पूरे सिचुएशन के ऊपर ध्यान देना, हम सेक्शन 4 के साथ में शुरू कर रहे हैं। पहले मेंशन कर दूं स्टैट्यूटरी वार्निंग अबाउट लेक्चर, आज का लेक्चर एकदम ही मतलब क्या बोलूं इसके लिए, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, एकदम से चैप्टर ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मारो मुझे मारो। तो आज तुम्हें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेगी जो बायोलॉजी के पेपर में होती है, आओ देखेंगे जीवन में समझ में आएगा तुमको। लेट्स गो, स्टार्ट करें, बोलो हाँ आना। ना ना तो आज तुम देखते मतलब ट्रेलर दिखाओ, तुम्हें ट्रेलर आज तुम्हें क्या पढ़ाना पड़ेगा पता है, ये देखो ये आज तुमको पढ़ाना पड़ेगा जेंडर क्या है। बहुत बढ़िया, शानदार, प्रैक्टिकली पढ़ाना है तो एक्स्ट्रा क्लास लगा ली किसी की,
चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। नाउ वी आर ऑन सेक्शन नंबर फोर, और हमको जरा सेक्शन नंबर फोर थोड़ा ठीक से जानने की जरूरत है, और उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए फटाफट, तुरंत से भी पहले, लेट्स गो। नाउ सेक्शन नंबर फोर कहता क्या है बच्चों, नाउ सेक्शन नंबर फोर कहता क्या है, यह चीज को थोड़ा सा ब्रीफ में समझिएगा। सेक्शन नंबर फोर कहता है, हालांकि सेक्शन नंबर फोर हमने ऑलरेडी देखा हुआ सा लग रहा है क्या आपको? मैंने आपको इसके लिए डायग्राम दिया था ऑलरेडी, इफ यू रिमेम्बर। क्या नहीं, क्या नहीं, जीवन में सेक्शन नंबर फोर पढ़ाया है मैंने तुमको डेफिनेशन पर्पस के लिए, भिखारी लोगो। ये देखो, ये इधर, ये पहला वाला डायग्राम याद है, सेक्शन फोर का पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, सबसे पहला बड़ा चार्ट फोर हो चुका है, तुमने उसका मार्किंग भी किया है जीवन में। कैसे लोग है ये, इधर फोर का पूरा मैंने एनालिसिस दिया था, द फोर हैज बीन डन, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द फाइव, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, वी आर ऑन सेक्शन नंबर कौन सा बोले बाजू से, फाइव। नाउ सेक्शन नंबर फाइव क्या है उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर फाइव टू सेक्शन नंबर थर्टीन, छूट गया क्या क्लास? ओके, सो सेक्शन नंबर फाइव टू सेक्शन नंबर थर्टीन में बेसिकली क्या लिखा है उसको एक बार ठीक से समझते हैं। सीरियस लेवल पे बातें बंद करो, लास्ट बेंचेस बेटा, फोकस बोर्ड पे ध्यान, वो तिल नहीं गया। सो सेक्शन नंबर फाइव क्या है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा। सेक्शन नंबर फाइव में ओवरऑल डिस्कशंस किए गए हैं कि भाई साहब, जब आप कोई एक्ट अप्लीकेबल करते हो, कोई रूल अप्लीकेबल करते हो, कोई स्टेट लॉ अप्लीकेबल करते हो, तो नॉर्मली उसका कमेंसमेंट डेट क्या होगा, मतलब कौन से दिन से ऐसा माना जाएगा कि वो एक्ट कमेंस्ड है, ठीक है। सो सेक्शन फाइव बेसिकली डील्स विद द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, बेसिकली डील्स विद काय के साथ बोले एक बार, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा तो ही समझ में आएगा। नाउ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, पहला लॉ है कौन सा बोले एक बार, सेंट्रल, दूसरा लॉ है कौन सा बोले एक बार, स्टेट, और तीसरा रूल्स का अप्लीकेबिलिटी, ठीक है। मैंने लॉ के आपको पार्ट बोले थे कि सबसे पहले होता है एक्ट, फिर उसके बाद में होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आपको याद होगा, सर्कुलर्स, उसके बाद में रूल्स, एंड उसके बाद में नोटिफिकेशंस। अब उसके अंदर सबसे पहले आपको सिर्फ रूल्स का और एक्ट का अप्लीकेबिलिटी पता होना चाहिए, सर्कुलर तो भाई साहब डेट के हिसाब से आते हैं और नोटिफिकेशन भी डेट के हिसाब से आते हैं। सो हमारे लिए डिस्कशन वाला मैटर सिर्फ रहता है लॉस का। अब सेंट्रल लॉ अगर कोई आता है तो नॉर्मली सेंट्रल लॉ में डेट ऑफ कमेंसमेंट बोला जाता है, एक बार सब जन बोलो क्या बोला जाता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट। और अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट बोला है तो अच्छा है, पर अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं बोला है, इफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट इज नॉट मेंशन, तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने लॉ एक्सेप्ट किया वो डेट माना जाता है डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर मैं आपको मेंशन करूं तो जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के बोले एक बार, जैसे 2013, इसका अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट, मैंने इसके पहले कई बार तुम्हें बोला, वो था 12 सितंबर 2013, कुछ याद है बच्चों? और एक्चुअली देखा जाए तो कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू बी रफली नियरली 23rd of August से 29th of August के बीच 2013 को ये एक्ट एक्सेप्ट हुआ था। अब इस एक्ट के अंदर डेट ऑफ कमेंसमेंट बोला है, कौन सा डेट बोला है, 12 सितंबर 2000 का बोले एक बार, उसे 13, समझ में आ रहा है, 12 सितंबर 2000 कौन सा बोले एक बार, 13। तो आपका इस एक्ट का कमेंसमेंट एक्ट का डेट कौन सा होगा बोले एक बार, 12 सितंबर 2000। लेकिन अगर समझो 12 सितंबर 2013 इसके अंदर नहीं होता, इफ इन केस 12 सितंबर 2013 इसमें नहीं होता, तो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या हो जाता था, जिस दिन प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर ना। सो एक बार सब जन मेरे साथ रिपीट करेंगे, किस दिन लॉ एप्लीकेबल होगा, इधर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, और अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है तो क्या बोले एक बार, जिस दिन किसने एक्सेप्ट किया, प्रेसिडेंट। सेम गोज विद द स्टेट लॉ, स्टेट लॉ में सबसे पहले आएगा आपका डेट ऑफ क्या बोले एक बार, उसे कमेंसमेंट, और अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं दिया है, जैसे यहां पे मैंने लिखा इफ नॉट, यहां पे भी मैं लिखना चाहूंगा इफ नॉट डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं दिया है, तो आपका गवर्नर जिस दिन एक्सेप्ट करेगा, मतलब इस साइड प्रेसिडेंट जब एक्सेप्ट करेगा उस साइड वाला डेट है, और इस साइड गवर्नर जब एक्सेप्ट करेगा वो साइड वाला डेट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? सो एक बार सब जन बोलो, नॉर्मली लॉ किस दिन अप्लीकेबल होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक बार सब जन बोलो किस दिन, डेट ऑफ कमेंसमेंट, पर अगर वो नहीं दिया है तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया, और अगर स्टेट लॉ है तो गवर्नर ने एक्सेप्ट किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सबसे आखिरी चीज, रूल कब से अप्लीकेबल होंगे, तो रूल्स में दो डेट्स होती है, कितने डेट्स होती है बोले एक बार, दो, एक होती है डेट ऑफ प्रिपरेशन और दूसरी होती है डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। नाउ इसके ऊपर एक केस हुआ है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस
महेश नारायणन के नाम से, और इस केस में यह बोला गया है कि जिस दिन आप रूल्स प्रिपेयर करते हो उसका कोई सेंस नहीं होता, द डेट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट विल बी डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर द रूल्स, कि ऑफिशियल गैजेट में आपने जो डेट बोला वो रूल्स का डेट माना जाएगा। सो सिंपल चीज है, एक बार मुझे पूरा रिवाइज करके बताओ छोटे से पार्ट में, ठीक है? मुझे बताओ अगर सेंट्रल लॉ है तो आपका डेट ऑफ कौन सा डेट रहेगा एप्लीकेबिलिटी का, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो बोला है, ठीक है? और अगर नहीं है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट लॉ है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय गवर्नर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और अगर रूल्स है तो कौन सा वाला, प्रिपरेशन का डेट या ऑफिशियल गैजेट वाला? ऑफिशियल। इसके ऊपर केस कौन सा है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस महेश नारायण। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, जोर से बोले एक बार यस और नो। छोटा सा चार्ट है, ड्रॉ कर लो, सेक्शन नंबर 5 इसमें खत्म हो जाता है। गो फॉर इट फास्ट। क्लास लेट छूटा क्या? ठीक है, आराम से, कुछ ज्यादा ही नहीं हुआ है, हम इसे छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, पहला ही सेक्शन है, डोंट वरी। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? चल लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी? इफ नॉट शर ड्रॉ कर लिया सबने? आया ना? श्योर, डन एवरीबॉडी? चलो बच्चों, हो गया।
पक्का बोलो यस और नो। ओके सो यहां पे आपका खत्म होता है। सेक्शन नंबर कौन सा है बच्चों, बोले एक बार, फाइव। ठीक है, सेक्शन नंबर फाइव होने के बाद में अब इस पूरे फाइव के अंदर यही चीज लिखी हुई है। लैंग्वेज आपको एक्सेप्ट नहीं होगा तो अभी से एक चीज की तरफ ध्यान देना थोड़ा सा। यहां से आपने ये ट्राई करना है कि जिस फॉर्म में मैं डायग्राम्स आपको दे रहा हूं उसी फॉर्म में आपने आंसर राइटिंग पॉइंट पिक करने हैं। जैसे इस केस में आप कैसे पिक करोगे, फॉर द सेंट्रल लॉ द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी विल बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड इन द अब्सेंस ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट द डेट एक्सेप्टेड बाय, किसने बोले एक बार, प्रेसिडेंट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। क्लियर है? सेम सेकंड पॉइंट स्टेट लॉ के लिए। थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ रूल्स द डेट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? सो तीन पॉइंट में आपने इसका आंसर बनाना है। यहां तक आइडिया क्लियर है? अब इसके बाद जो जो भी कंटेंट है मैं ट्राई करूंगा उसका आपको मीनिंग लिख के दू, या एटलीस्ट चार्ट या डायग्राम दू या पॉइंट दू जिससे आप इसको प्रेजेंट कर पाओ। नाउ वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन हमको जो देखना है वो है सेक्शन नंबर सिक्स, और सिक्स के साथ में मैं दे रहा हूं साथ में सेक्शन नंबर 24, क्योंकि दोनों क्रॉस है। इसका नाम होता है रिपील ऑफ द लॉ। क्या बोले एक बार, उसे रिपील। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, फोकस कीजिएगा अच्छे से। सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है, रिपील ऑफ द लॉ और डिलीशन ऑफ द लॉ इसमें क्या फर्क है। मतलब लॉ रिपील हो गया और लॉ डिलीट हो गया, इसमें क्या फर्क है। यह डिसाइड किया गया था नवरंगपुरा ग्राम धर्मादा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस रकिमजी रामजी, इस केस के अंदर डिसाइड किया गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपील एंड डिलीटेड लॉ। अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत काम का है। नॉर्मली देखो सिचुएशन ऐसा होता है, लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है, जनरल नॉलेज की चीज बोलता हूं, मैंने इसके पहले भी शायद ये चीज मेंशन की है। समझो दिस इज कंपनीज एक्ट 1956, दिस कंपनीज एक्ट 1956, और हमें शुरू करना है अभी कंपनीज एक्ट 2013। 1956 जाने के बाद ही 2013 आया ना, अरे बोलो ना, आया ना। सो इफ दिस इज कंपनीज एक्ट 2000 का, बोले एक बार उसे 13। अब सवाल यह है कि लॉ किस प्रकार बनता है या कैसे रिप्लेस होता है। हमेशा याद रखना, कभी ऐसा नहीं होता कि ओल्ड लॉ कट ऑफ हो गया और नया लॉ आया। दिस वॉज ऑलवेज वर्क लाइक दिस, ओल्ड लॉ धीरे धीरे खत्म होता जाएगा एंड नया लॉ धीरे धीरे इंप्लीमेंट होता जाएगा एज गिवन इन द डायग्राम। ओल्ड लॉ धीरे धीरे खत्म होता जाएगा एंड नया लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता जाएगा, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तुम कुछ और डायग्राम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो मेरी गलती नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो ओल्ड लॉ धीरे धीरे खत्म होगा और नया लॉ धीरे धीरे आएगा, धीमे 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 धीमे। ठीक है, ये चीज को याद रखना। अब जब ऐसा होता है तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये जो एरिया है ये बहुत डेंजरस है। अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, ज्ञान से सुनिए, ज्ञान से, दिमाग से। सो ये एरिया बहुत डेंजरस है, पूछो क्यों। इसमें ही डिसाइड होता है वेदर द लॉ इज रिपील्ड, वेदर लॉ इज रिपील्ड और लॉ इज डिलीटेड। लॉ इज क्या हुआ एक बार, डिलीटेड। नाउ व्हाट इज डिफरेंस, क्या हुआ, टाई की स्पेलिंग गलत है डिलीटेड की। तुम्हारा जीवन में कभी वो कार्डियोग्राम चला ना, ऐसा कड़कड़ कड़कड़ कर, बस। सो देर इज डिफरेंस बिटवीन रिपील एंड क्या एक बार उसे डिलीटेड, बहुत अच्छे से ध्यान देना। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपील्ड एंड डिलीटेड। जब कभी भी कोई लॉ रिपील होता है या कोई लॉ डिलीट होता है, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी सीवियर, तुमको एग्जाम में पूछा सकता है। जब कोई लॉ रिपील होता है तो जो ओल्ड प्रोविजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन, ऐसा माना जाता है कि दीज प्रोविजन्स, ध्यान प्लीज, फालतू गिरी नहीं चाहिए, दीज प्रोविजन्स नेवर एग्जिस्टेड,
ऐसा माना जाता है कि दीज प्रोविजन केवल एक बार जो है नेवर एग्जिस्टेड, कि कभी 1956 कंपनीज एक्ट था ही नहीं. दिस इज रिपील्ड. दिस इज नॉर्मली कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. दिस इज नॉर्मली कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि भैया पहले से ही ऐसा माना जाएगा कि कभी ये लॉ था ही नहीं, कभी ये लॉ केवल एक बार था ही नहीं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिपील्ड. खत्म मतलब था ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पैदा ही नहीं हो पाया था. वो साउथ इंडियन मूवी के नाम होते हैं ना, जीने नहीं दूंगा पार्ट टू, अगले जन्म भी जीने नहीं दूंगा पार्ट थ्री, उसके अगले जन्म पैदा ही नहीं होने दूंगा, वैसा वाला मैटर है ये. कंसेप्ट समझ, कि लॉ कभी पैदा ही नहीं हुआ था. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना. सो दिस इज नेवर एग्जिस्टेड. दिस इज केवल एक बार जो है नेवर एग्जिस्ट. व्हाट इज डिलीटेड, प्लीज फोकस, व्हाट इज डिलीटेड. डिलीटेड का मतलब होता है ओल्ड लॉ और ओल्ड प्रोविजन एग्जिस्टेड टिल स्पेसिफिक डेट. ओल्ड लॉ या ओल्ड प्रोविजन स्पेसिफिक डेट तक ही एग्जिस्ट कर रहा था, पर उसके बाद में वो एग्जिस्ट करना बंद कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज कौन सा इफेक्ट बोले एक बार, उसे प्रोस्पेक्टिव. क्लियर है? मतलब ओल्ड प्रोविजन थे, वो जब थे हमने मान लिए, पर इसके बाद में जो नए प्रोविजन अप्लीकेबल हुए वो अप्लीकेबल हो गया. दिस कॉल्ड डिलीटेड. था बट डिलीट हो गया. रिपील्ड मतलब कभी था ही नहीं. अगर मैं इसके अंदर ये भी पूछूं, देन व्हाट अबाउट, अगर ओल्ड लॉ था ही नहीं, देन व्हाट अबाउट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस जो ओल्ड लॉ में हुए? तो ऐसा माना जाता है दी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस आल्सो नेवर एग्जिस्टेड, कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिए होंगे इन लॉज में वो कभी बने ही नहीं जीवन में. ओल्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस नेवर एग्जिस्टेड. बट अगर डिलीटेड वाला पोर्शन हम बोले, कौन सा वाला बोले एक बार, डिलीटेड, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस विल कंटिन्यू टू अप्लाई. विल क्या बोले जो से कंटिन्यू टू अप्लाई, वो चलते रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि वो खत्म हो गया. आपके ओल्ड लॉ के कंपनीज एक्ट 1956 के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस अभी भी चलता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 वाज डिलीटेड, वाज नॉट रिपील्ड. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना. जोर से बोले सो नो. कई बार आप देखोगे इनकम टैक्स में प्रोविजन रिपील होता है. आपने कई बार इनकम टैक्स में देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और गवर्नमेंट को लगता है भगवान ये क्या कर लिया, और फिर वो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव लाता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड करते हुए. बोलो वोडाफोन केस, दैट इज अ रिपील्ड लॉ. दैट इज अ कौन सा लॉ? रिपील्ड. कि जैसे कभी था ही नहीं, अभी भैया टैक्स पे करना है तो करना है, बात खत्म हो गई. कंसेप्ट समझ में? नॉर्मली रेवेन्यू मैटर्स में आप रिपील्ड इफेक्ट देखोगे, पर डिलीटेड इफेक्ट कंपनीज एक्ट या जनरल लॉज या कॉर्पोरेट लॉज, एलएलपी वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले, इनमें आपका डिलीटेड वाला इफेक्ट आता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब जब ये कोई भी लॉ रिपील्ड या डिलीटेड होता है, एक चीज जो है वो रिपील्ड हो या डिलीटेड हो, पर एक चीज कंटिन्यू रहती है, कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रहती है, वन सिंगल थिंग. वो क्या? अगर किसी भी एक्ट में, जैसे समझो कंपनीज एक्ट 1956 में हमने सत्यम का केस खोला है. क्या खोला है बोले एक बार, दोस्तों? सत्यम का केस. और सत्यम का केस खोल के कंपनीज एक्ट 1956 में उसके ऊपर जेल इम्प्रिजनमेंट का प्रोसीडिंग चल रहा है रामालिंगा राजू पे, उसके ऊपर पेनल्टी का प्रोसीडिंग चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, मतलब उसके खिलाफ सब कुछ दाव पे लगा है, और ये 2013 में चल रहा है, और एकदम से आपका कंपनीज एक्ट 1956 खत्म होकर 2013 आया, तो रामालिंगा राजू क्या बोलेगा? 1956 गया तो मेरी पेनल्टीज भी, बेटा इसमें उसका पूरा घर जाएगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओल्ड एक्ट खत्म होने से उसके अंदर के इन्वेस्टिगेशन, पेनल्टीज, इंप्रिजनमेंट खत्म नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, तुमने 2011 में किसी को अगर जेल सुनाई हो 7 साल की, और 2018 तक के वो जेल में होना चाहिए बंदा, तो 2014 में कंपनीज एक्ट 2013 आने का ये नहीं बोल सकता वो तो जेल मेरे को तुमने ओल्ड लॉ में सुनाई थी, अब मेरे को बाहर निकालो. ही कैन नॉट से दैट. रात गई बात गई, नया घड़ी नया राज, नहीं. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज, कोई भी अगर जेल, पेनल्टी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग, लिटिगेशन एक्सेट्रा ओल्ड लॉ में बोला गया है, कौन से लॉ में बोला गया है? ओल्ड लॉ. विल कंटिन्यू टू अप्लाई इन द न्यू लॉ ऑल्सो विथ न्यू प्रोसीडिंग्स. विथ न्यू कब लिख बाजू से प्रोसीडिंग्स. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना. जोर से बोले सर. ना, ये चीज को याद रखना है. अब सर समझो कंपनीज एक्ट 1956 में एक ऑफेंस के लिए जेल बोली थी 2 साल, और वो प्रोसीडिंग चल रहा था, और 2013 में सेम ऑफेंस के लिए जेल बोली है 7 साल,
तो सर अब कौन से हिसाब से प्रोसीडिंग होगा, 2 साल या 7 साल? 2 साल या 7 साल बोलो, 2 साल या 7 साल। इट इज अप टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट को क्या लगता है, इट इज अप टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अपन कोई जज जीवन में जो डिसाइड करे कितना लगेगा, इट इज अप टू द ऑर्डर ऑफ केवल एक बार कोर्ट, कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से लगेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज सेक्शन नंबर 6, रेड विद सेक्शन नंबर 24। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिपील्ड एंड डिलेटेड। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? पक्का जोर से बोले सर ना, लिखोगे इसको या फोटो खींच लेते हो? आराम से घर पे लिखो सर, घर है हमारा, हम तो भूल गए घर वर है करके हमारा, और मेरे घर वाले तो डिक्लेयर कर दिए, तो धर्मशाला में क्यों नहीं रहता है? श्योर लिखो फास्ट, तुरन से भी पहले, अगले साल, अगले साल हम ट्राई कर रहे हैं आने वाली फरवरी मार्च के बैच में एक बिल्डिंग ही रेंट पे दे दे बच्चों को, एक रेसिडेंशियल का प्लान कर रहे हैं हम बकायदा। अरे तुम्हारे वक्त ऑलरेडी बहुत अड़चने थी बाबा, तुम्हारे केस में फ्रेंकली बोलू ये बैच में एक ही टारगेट था, ईमानदारी से पढ़ाना और बैच खत्म करना, वो भी हमसे हो जावे तो हम खुद को खुशनसीब मान रहे थे कि जिंदा बच गए और बैच पढ़ा दिए और बैच के बच्चे भी जिंदा बच गए। समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ है ना, ये अचीवमेंट अनलॉक है हमारे लिए, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जीवन में ऐसा कुछ होगा। वो तो जानवर जैसे नाचे थे लेट लेट के जमीन के ऊपर, वो क्या था? अच्छा वो कौन सा पार्टी था? अच्छा वो ऑफिशियल पार्टी था, अभी मेरा पर्सनल चाहिए। अच्छा पार्टी भी ऑफिशियल होता है, तुमको पार्टी देने में मेरा इकादा घर जाएगा, एक प्रॉपर्टी तो चली जाएंगी। नालायक लोग, आड्डस मेरे चेहरे की तरफ देख के लगता है मेरे पास 8-10 प्रॉपर्टी होगी सच में। मेरी प्रॉपर्टी दुबई में है, कहां? बुर्ज खलीफा के बाजू में ना, मस्त खलीफा के बाजू में क्या? अच्छा बहुत बढ़िया। खलीफा दिखेगी नहीं, दिखेगा, गा गा होता है वो। लिखो नालायक लोगों, चलो फटाफट फटाफट खतरनाक डेफिनेशंस पढ़ने आज अपने को। हाँ फोटो भेजो, अरे फोटो निकाल रहा हूं रुको। ड्रैग करो नीचे, चलो फास्ट लिखिए बच्चों प्लीज। नहीं पक्का नहीं, क्लास के आखिरी आखिरी दिनों में तुम मेरे से पूछ रहे हो स्पेलिंग सही है क्या? मैंने जितनी स्पेलिंग लिखी है सब मेरी डिक्शनरी के हिसाब से एकदम बराबर है, मेरी डिक्शनरी बन रही है, अमेंडमेंट आ रहे हैं उसमें।
ग्रुप टू में मैं कुछ पढ़ाऊं? पागल हो गए हो जीवन में? चलो फास्ट लिखे बच्चों, ग्रुप टू में कॉस्टिंग पढ़ाऊं ना? बहुत बढ़िया। गरीब आदमी हूं, एक सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूं, बहुत है मेरे लिए जीवन में। चलो ड्रैग करो नीचे। बच्चों चलो प्लीज फास्ट लिखिए, वी हैव लेस टाइम लेफ्ट। रमिक जी राम जी इज द नेम। आपके बुक के अंदर एक केस का नाम ऑलरेडी दिया है, टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो। रम कोई प्रोनाउंसिएशन ही जीवन में कुछ दर्द नहीं है उसका। मार्क्स भी आरआर में ही मिलेंगे। चलो डन है एवरीबॉडी। कंपनी जाके खत्म होने की डेट तुम्हारे अटेम्प्ट के बाद में, डोंट वरी। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना। कितू सा कंसेप्ट है, कितने बार लिखो? एक ही बार लिखना है इसको। शरडन आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ बच्चों, सो मैंने आपको डिफरेंस बोल दिया है रिपील्ड ऑफ द एक्ट का और साथ साथ में क्या बोले एक बार जो से डिलीटेड फ्रॉम द एक्ट का। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो इसको आराम से कोट कीजिएगा कि रिपील का इफेक्ट क्या होता है, डिलीटेड का इफेक्ट क्या होता है। तुमने ये टेबल भी कोट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इट इज एज गुड एज डिफरेंस। तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि तुमने डिफरेंस कोट किया है, ठीक है? नाउ रिपील्ड और डिलीटेड के केस में मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूं, कृपया आ जाइए। सेक्शन नंबर 6 के अंदर क्या हुआ अभी, वो फोटो से खत्म कर। तुम बहुत टाइम पास कर रहे हो जीवन में, फास्ट लिखो जरा, ठीक है? मैं मार्किंग कर रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। पेज नंबर 2.12। सेंट्रल लेजिस्लेशन आप जब कमेंस करते हो, अनलेस अदर पर्पज एग्जिस्टेड, सेंट्रल लेजिस्लेशन रिपील शॉल नॉट रिवाइव एनीथिंग प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड जिसका रिपील इफेक्ट है। मतलब जब तक बोला ना जाए, ऑलरेडी जो चीजें आपने रिपील करके रखी है वो वापस से रिवाइव नहीं हो सकती। अगर कोई भी प्रायर मैनेजमेंट कोई भी लेजिस्लेशन का है तो ऐसे सिचुएशन में वो मैनेजमेंट रिपील्ड माना जाएगा। कोई भी पनिशमेंट क्लेम प्रिविलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह चल रही है तो वो कंटिन्यू की जाएगी। कोई भी पनिशमेंट फॉरफीचर पेनल्टी अगर पिछले एक्ट में लगाई है तो नए एक्ट में कंटिन्यू की जाएगी। कोई भी इंक्वायरी लिटिगेशन क्लेम प्रिविलेज डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्वायरी या लिटिगेशन या रेमेडी चल रहा है तो उसको कंटिन्यूड माना जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, फिर 3 केसेस उन्होंने मेंशन किए हैं, पर मेन जो केस है वो है नवरंगपुरा गाम धर्मदाम मिलकत ट्रस्ट वर्सेस रमटू जी रामा जी, ये वाला केस बोल रहा हूं मैं। रमटू जी रामा जी आप करेक्शन कर लेना चाहिए तो नाम में, जिसके अंदर उन्होंने डिलीटेड और रिपील वर्ड का मीनिंग बोला है। अगर आपको एग्जाम में पूछा तो तीनों केसेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3rd केस लॉ लिखने की जरूरत है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। इस केस को ही कृपया स्टार मार्क करके रखिए, ठीक है? पहले 2 का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ सेक्शन 6 के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद में अब मैं आपको चाहूंगा कि आप सीधा सीधा आ जाइए ऑन सेक्शन नंबर 24।
सेक्शन नंबर कौन सा बोले, एक बार दोस्त है 24, विच इज देयर इन योर बुक ऑन पेज नंबर 2.17, दिख रहा है सबको, इसके अंदर भी मार्किंग करके रखिए। जब भी कोई एक्ट कमेंस होता है तो ऐसे सिचुएशन में एग्जिस्टिंग एक्ट रिपील होता है या तो फिर मॉडिफिकेशन के साथ में रीस्टार्ट होता है। उस केस में कोई भी ऑर्डर, स्कीम, रूल्स, बायलॉज वगैरह बोले हैं अंडर द रिपील एक्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे एंड डीम्ड टू हैव बीन मेड इशूड बाय नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल्स और बायलॉज फॉर द प्रोविजंस इनएक्टेड। अब इसका मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा, तो यहां पे साइड में नोट लिखिए, व्हेन ओल्ड एक्ट और लॉ इज रिपील्ड देन इट्स ऑर्डर, सर्क्यूलर, रूल्स, notifications will continue with new law unless stated otherwise, unless stated otherwise, we'll stop. उसके बाद में एक सिंपल केस दिया है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरनिक सिंह। नाउ इस केस के अंदर बेसिकली उन्होंने क्या बोला गया था, तो मेंशन किया गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर वगैरह के थ्रू चल रहा है फॉर प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन वगैरह, तो ऐसे सिचुएशन में जब तक कि वो स्पेसिफिकली सुपरसीड या विड्रॉ नहीं होता तब तक के वो इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। ठीक है, नीचे भी लिखा है मस्ट बी डीम्ड टू कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर द सेक्शन अंटिल इट इज सस्पेंडेड। ठीक है, तो इसके साइड में लिखना ऑल प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू टू अप्लाई, ऑल प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू टू, क्या बोले एक बार उसे, अप्लाई विथ न्यू लॉ। ठीक है, तो उन्हें दोनों पैराग्राफ्स के लिए अगर ये दो पॉइंट भी एग्जाम फॉर्म में लिखे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में हमने ओरिजिनल चार्ट बनाया है, आप उसको भी पॉइंट वाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर कौन सा बोले बाजू से 24। वापस आ जाइए, नाउ वी आर बैक गोइंग टू सेक्शन नंबर कौन सा बोले बाजू से, सेक्शन नंबर 6A तो आपका रिपील के अंदर ही कवर हो गया है। नीचे सेक्शन नंबर 7, रिवाइवल ऑफ अ रिपील्ड एनएक्टमेंट। अब इसके साइड में एक छोटा सा नोट डाल के रखिए, पूरा सेक्शन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड में छोटा सा नोट डालिए सेक्शन 7 के साइड में, लिखना द रेगुलेशन और नोटिफिकेशन, सेक्शन 7 के साइड में द रेगुलेशन और नोटिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, द रेगुलेशन और नोटिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, रेगुलेशन नोटिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रीएनएक्ट, रीएनएक्ट मतलब रीस्टार्ट, रेगुलेशन नोटिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रीएनएक्ट मतलब रीस्टार्ट द एग्जिस्टिंग रिपील्ड एक्ट, टू रीस्टार्ट द एग्जिस्टिंग रिपील्ड एक्ट वोली और पार्शियली, एग्जिस्टिंग रिपील्ड एक्ट वोली और पार्शियली। वोली और क्या बोले बाद उसे पार्शियल लिख लिया सबने, हाँ है ना। चलो, ये चीज होने के बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू द रिपील्ड एनएक्टमेंट, दिस इज सेक्शन नंबर कौन सा बोले बाद उसे 8। इसके साइड में भी नोट डाल के रखिए, मेन केस को पहले तो मार्क कर लीजिए, केस काम के होते हैं नॉर्मली जनरल क्लॉजेस में, इसलिए मैं सभी केसेस मार्क करके दे रहा हूं। ठीक है, केस को मार्क करके साइड में लिखिएगा, केस का नाम है गौरी शंकर गौर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, साइड में लिखना।
When the old repealed act, when the old repealed act, when old repealed act is enacted, when old repealed act is enacted with new circulars or modifications, with new circulars or modifications, new circulars, modifications or amendments, then all references to the old act, then all references to the old act, all references to the old act will be considered to be made, all references to the old act will be considered to be made for the new act. All the references of old act will be continued to be made for new act. Okay, अब इसको थोड़ा brief में समझिएगा. सेक्शन नंबर 8 का पूरा मतलब क्या है मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं. ब्रीफ में क्या, डिटेल में ही बताता हूं. मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा लॉ था, ओल्ड कंपनीज एक्ट कौन सा था बच्चों, बोले एक बार, 1956. अब देखो 1956 में जब कंपनीज एक्ट था, बच्चों ठीक से सुनिएगा अदरवाइज मुश्किल है ये, 1956 में जब कंपनीज एक्ट था तो उसके साथ वाले एज के और भी लॉज है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, बोलो हाँ या ना, या तो फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सिकरा जो सेबी के साथ वाला लॉ है वो भी 1956 में बना था. अब समझो इनकम टैक्स एक्ट ने या सिकरा ने एक रेफरेंस फेंक के मारा है कि भैया कंपनीज एक्ट 1956 में ये लिखा है, कोई स्पेसिफिक चीज लिखी है. समझो किसी भी ओल्ड लॉ में ये रेफरेंस दिया कि भैया कंपनीज एक्ट 1956 में जो डायरेक्टर की डेफिनेशन लिखी है वो मानी जाएगी, या उसमें बोला है किसी भी ओल्ड लॉ में कि कंपनीज एक्ट 1956 में जो रिलेटिव की डेफिनेशन बोली गई है वो मानी जाएगी. तो इन्होंने रेफरेंस दिया है कंपनीज एक्ट 1956 को टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, टू डेफिनेशन ऑफ क्या बोलेगा उसे, रिलेटिव. अब ऐसे सिचुएशन में ओल्ड कंपनीज एक्ट तो रहा नहीं, तो आपका इसके जगह पे कौन सा कंपनीज एक्ट आया है, बोले एक बार जोर से, नया, दैट इज कंपनीज एक्ट. कौन सा आ रहा है, 2013. तो आपने सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी ओल्ड लॉ में किसी भी ओल्ड एक्ट का रेफरेंस है तो उस ओल्ड एक्ट का रेफरेंस खारिज करते हुए आपने सिमिलर पॉइंट नया रेफरेंस न्यू एक्ट का मानना है विद द न्यू डेफिनेशन, जैसे रिलेटिव के डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 2 सबसेक्शन 77. ये आपने समझना है, कांसेप्ट समझ में. तो अगर अभी इनकम टैक्स एक्ट में कई बार ऐसा हो सकता है लिखा होगा कि कंपनीज एक्ट 1956 से रिलेटिव के डेफिनेशन उठाओ या कंपनीज एक्ट 1956 से डायरेक्टर के डेफिनेशन उठाओ, तो तुमने उसको सिंपली मानना है कि भाई आप कंपनीज एक्ट नहीं माना जाएगा, उस वर्डिंग के जगह पे क्या माना जाएगा, 2013, और उसकी रिलेटिव और उसकी डायरेक्टर की डेफिनेशन उठानी पड़ेगी. कांसेप्ट समझ में. दिस इज कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 8 का कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफरेंस टू द रिपील्ड एक्ट. क्लियर है कि अगर आपने रिपील्ड एक्ट, जो बंद हुआ एक्ट, उसको रेफरेंस दे दिया तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसा मानेंगे कि वो नया एक्ट का ही रेफरेंस है. क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ ना, जोर से बोलो ये सर. नो, ये छोटू सा एग्जांपल अगर आप चाहो तो लिख के रख सकते हो साइड में, तो आपके ध्यान में रहेगा कि क्या कहा गया है. ठीक है, मस्त है ना जनरल क्लॉजेस एक्ट, एकदम मजा आ रहा है ना. ये सिलेबस में क्यों एग्जिस्ट करता है मेरे को बिल्कुल मत पूछना, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो और मस्त चीजें आने वाली है आगे. चलो फर्स्ट लिख के रखिए नोट्स में, या फिर आप रजिस्टर में भी लिख सकते हो हेडिंग डाल के सेक्शन 8 का, आपकी मर्जी. Done everybody. Watch. Leave laga. Thayo kai. थियो के थी छा थीवियो छा थियो के मैं थी गयो ना मारवाड़ी हुई गो कई नहीं होयो होयो नहीं रे नालायक चल एल क्लियर सबने हाया ना नेक्स्ट अरे भाई साहब
ये लिख लिया हो गया सबने, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, यहां से आता है मस्त मजा। यहां से मेरी बिल्कुल औकात नहीं है बिल्कुल पढ़ाने की इनमें से कोई भी चीज को। बोले टाइम कैसे कमेंस होगा, तुमको बोला है कि आरोही के साथ में तुमने 30 दिन तक, अरे आरोही के साथ में तुमने 30 डेज तक फाइल करना चाहिए, बोला गया है ना, तो इन्होंने बोला है वो 30 डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे तुम्हें पता ही नहीं, उसके लिए उन्होंने बनाया सेक्शन 9। तुम पढ़ के देखो जीवन में, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी कि 30 दिन ऐसे गिनते हैं। मतलब सीरियस लेवल पे यार, मतलब ये पढ़ने के लिए जिंदा है अभी अपन कि 30 दिन कैसे गिनते हैं। इधर भेजो जल्दी फास्ट, जब मम्मी पापा किसी का भी हो फोन इधर चलो फास्ट। ओके समझ में, मैं पढ़ा रहने दो, तुम घर पे पढ़ लेना हो ठीक है। आगे अगला है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, समय कैसे गिनते, समय कैसे गिनते, अब तुमको ये बताने की जरूरत है। तुम पिछले 5 मिनट से ढूंढ रहे हो घड़ी के अंदर, आधा घंटा खत्म हो गया पर 5 ही मिनट हुए घड़ी में। दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। लिखो होमवर्क, घर पे पढ़ना उसको, अब जीवन में यही पढ़ाऊंगा जीवन में टाइम क्या होता है और सही क्या होता है। होमवर्क, होमवर्क, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये खास करके उनके लिए बनाए जो एलडीआर में है, लास्ट डे रिविजन नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो उनके लिए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, समझो कोई लड़का पूना का है, उसकी गर्लफ्रेंड औरंगाबाद की है, ठीक है, तो तुम डिस्टेंस कैसे, ऐसे सीधे लाइन में मेजर करोगे कि इधर अक्षय कुमार जैसे इधर से हीरो लटका हेलीकॉप्टर को, उधर से हीरोइन लटकी हेलीकॉप्टर को, ऐसे सीधा गिन लिया। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, होमवर्क घर पे पढ़ना, मेरे को बिल्कुल मत पूछना। ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा, मतलब प्रोपोर्शनेट। फिर जेंडर क्या होता है और नंबर, अरे बाप रे, तो इसका डेफिनेशन पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है तुम्हें क्या होता है, जेंडर पढ़ने वाली नहीं, मतलब ध्यान दो ध्यान दो। अब ये एक सेकंड, तुम जो सोच रहे हो वो डेफिनेशन नहीं है यहां पे। वीडियो क्या दिखाओ भिखारी मानुष के, वीडियो क्या, लालक ध्यान दो। जीवन में जियो ने इतने जीबी डाटा दिया है तुमको, देख लो खुद। नाउ बच्चों, अरे सुनो रे, सुन, तुम्हारा इसमें सेक्शन निपट जाएगा, प्यार से सुनना, शांति। जेंडर में डाउट है, ध्यान है क्या चल रहा है ये, ऐसे एक्ट पढ़ाने पड़ते हैं जीवन में। अब यहां जेंडर का मतलब क्या है जरा सुनना बच्चों, बच्चों एवरीबॉडी, कई बार लॉ के अंदर लिखा होता है, बच्चों बच्चों एवरीबॉडी ध्यान, कई बार लॉ के अंदर लिखा होता है द ऑफिसर, द ऑफिसर, अरे यार लो जीवन में, हां तो कई बार लॉ के अंदर लिखा, बेटा ओ ओ ताली बजाने वाले बोर्ड के ऊपर ध्यान दे, फोकस शांति। कई बार लॉ के अंदर, बच्चों सीरियस नोट पे सुनिए निपट जाएगा, कई बार लॉ के अंदर लिखा होता है द ऑफिसर शॉल टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफिस, बेटा ओ ओ मैडम बगीचा चल रहा है क्या यहां पे, अब मैं किसी को वार्निंग दूंगा नहीं, स्ट्रेट अवे रेस करवा दूंगा, पूरा एक डेढ़ घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है ध्यान दो। मैं चलो करो बातें करो, जल्दी खत्म करना है जीवन में, तुम बात ही नहीं मान रहे, ठीक है अब शांति से सुनने का। उधर पीछे वाली मैडम, वो जो बाल बाल खींच रहे तुम्हारे, एक बार डोनेट ही कर दो, ठीक है, उसको नहीं होंगे तो ले लो बोल भिखारी लोग। अब सीरियस लेवल पे सुनो, नहीं तो जितना समय यहां ऐड होगा उतना आगे ऐड होगा, ठीक है लेट्स गो। जब भी लॉ के अंदर कभी रेफरेंस किया जाता है द ऑफिसर शॉल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड ही शॉल वर्क ऑन द थिंग्स, अभी जब ही बोला और ऑफिसर औरत रही तो पॉसिबल है ना, ये तो मेल शोबिनिज्म हो गया जीवन के अंदर,
फेमिनिज्म दुखाए जाएंगे इससे, बोलो हाँ है ना। तो तुमने अजूम करना ही का मतलब शी होता है, तुमने अजूम करना ही का मतलब क्या होता है शी, बस यही बोला है जेंडर के डेफिनेशन में। ये किसके डेफिनेशन में बोला है? जेंडर। आराम से घर पे पढ़ते रहना, ठीक है? हाँ उड़ा दिया नीचे, आगे समय कम है ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शनरीज। फंक्शनरीज का मतलब कि भाई साहब कौन कौन लॉ के लिए वर्क करता है, ध्यान दीजिए। वेयर बाय सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट एनी पावर कॉन्फर्ड देन अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपियर द पावर मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन ओकेजन रिक्वायर्स, ठीक है। दिस सेक्शन अप्लाइज टू सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर 14th डे ऑफ जनवरी 1887। अब इसका एक्चुअली कोई सेंस नहीं है, हमने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखा था कि 1887 इज अ ट्रांजिशन पीरियड, और उन्होंने बोला था कि 1887 के पहले जिनको पावर्स दिए हैं वो ऑफिसर्स एम्प्लॉयज के पावर नए एक्ट में नए ऑफिसर एम्प्लॉयज को ट्रांसफर होंगे। सेक्शन का एज सच कोई सेंस नहीं है, सेक्शन को आपने काट भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स द पावर टू एक्सक्लूड ऑल्सो एक्स ऑफिशियो। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बड़े अच्छे से। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही देता हूं, सो यू विल कम टू नो कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं। बोर्ड के ऊपर बने रहिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। सीबी 43 नहीं है, एक मिनट जस्ट मुझे देना। ओके, अब थोड़ी देर जरा से बोर्ड के ऊपर ध्यान दोगे तो एक्स ऑफिसियो का फंक्शनरीज क्या होता है ये आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स गो। नॉर्मली अभी हमने पूरे हमारे सिलेबस के अंदर एक वर्ड कई बार सुना था, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो लोग सीरियस लेवल पे टाइम पास करने के लिए बैठे हैं कृपया खुद के 20 मिनट ना गवाए, उठिए और बाहर जाइए। इसके बाद मुझे अगर कोई दिखा तो बेइज्जत करके बाहर भेजूंगा, ये मेरी लास्ट वार्निंग रही। जिनको बाहर मिलने के लिए समय नहीं मिलता वो यहाँ आके टाइम पास करने के लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, और ना ही जो पढ़ना चाहते उनके लिए तुम्हारे पास समय है। इसके बाद मैं इससे ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज में बोलूँगा नहीं, दो चार गालियाँ दे दूंगा जो मैं कभी करता नहीं हूँ, बट अब जिसको पढ़ना है वही क्लास में बैठे। Let's go. So first and foremost thing, Security Exchange Board of India हमने कई बार रेफरेंस में देखा है, जो पढ़ रहे हैं हाय ध्यान दो। So Security Exchange Board of India हमने कई बार देखा है। अब SEBI actual authority क्या है इसका मैं तुम्हें constitution ही बोल दूं। SEBI के अंदर एक होता है chairman, फिलहाल this is माधवी पुरी बच, her name is माधवी पुरी बच, चेयरमैन ऑफ सेबी। आई गेस अभी तक चेंज भी हो गया होगा, दिस इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन आई गेस। फिर उसके बाद में दो ऑफिशियल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, फ्रॉम फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर दो लोग अपॉइंट किए जाते हैं फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसमें से एक है अजय सेठ और दूसरे है राजेश वर्मा। ये दो कंपनीज एक्ट के फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन से उठाए हैं। एक ऑफिशियल सेबी के अंदर बिठाया जाता है आरबीआई का, जो नॉर्मली डेप्यूटी गवर्नर या पार्ट टाइम मेंबर होता है, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो पार्ट टाइम मेंबर होता है सेबी का, जो है फिलहाल राजेश्वर राव। और उसके बाद में 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 फुल टाइम होते हैं। अब मेरा कंसर्न चेयरमैन नहीं है, देखो सेबी का चेयरमैन तो यहां पे फुल टाइम है, दैट्स नॉट अ इशू, और 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स फुल टाइम है उसका भी इशू नहीं। जो बीच के दो वाले है ना, दीज आर नॉट द एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द सेबी, दोज आर बोरोड मेंबर्स। दोज आर कौन सा मेंबर्स? बोरोड, मतलब ये कहीं किसी अथॉरिटी में एक पोजिशन होल्ड कर रहे थे और उस अथॉरिटी के पोजीशन को हमने सेबी में क्रॉस रेफर किया, इसलिए वो सेबी के भी मेंबर्स बन गए। क्लियर? आप एक्चुअली देखोगे तो ये जो दो लोग हैं ये कंपनीज एक्ट के फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले हैं। आप एमसीए की वेबसाइट खोलोगे तो आप इन दोनों का फोटो पाओगे, पर इन दोनों को, ये कंपनीज एक्ट के फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इसलिए सेबी बोर्ड के अंदर इनको इंक्लूड किया गया।
क्लियर है। नीचे जो आरबीआई का गवर्नर आपको दिख रहा है ये राजेश्वरा राव, ठीक है, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ये आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर या आरबीआई के बोर्ड पे है। सेबी ने लेकिन इनके लिए क्रॉस रेफरेंस मांगा कि भाई हमें भी एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पर्सन की जरूरत है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम बैंक्स के थ्रू ही चलता है और आधी बैंक्स तो स्टॉक ब्रोकर बन के बैठी है, दैट्स व्हाई हमको एक बंदे की जरूरत है। तो उन्होंने डिप्यूटी गवर्नर को भेज दिया। नॉर्मली सेबी के अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन ही है, बीच का जो सेकंड एंड थर्ड अपॉइंटमेंट है इसे कहा जाता है एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट। क्या कहा जाता है? एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि ये ओरिजिनल अपॉइंटमेंट नहीं है, ये किसी दूसरे अपॉइंटमेंट के रेफरेंस में यहां पे आया है। अब अगर कभी डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई चेंज हो जाएगा तो सेबी का भी ये पर्सन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी फाइनेंस और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दो मेंबर चेंज हो जाएंगे तो यहां पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपको यहां चेंज करने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले एक बार यस नो। दीज आर कॉल्ड एज कबल एक बार जो से एक्स ऑफिशियोस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो वो जो आपने पैराग्राफ है उसके साइड में छोटा सा नोट डाल के रखे, मैं आपको हर एक चीज के लिए लिखवा के दे रहा हूं। ये अगर आपको नोट्स में नहीं लिखना है रजिस्टर में लिखिए सेम हेडिंग के साथ में, तो आपका यही आंसर राइटिंग पॉइंट बन जाएगा। लिखिएगा When सेम सेक्शन वाला हेडिंग जो आपके लिए वहां पे मेंशन किया, होल्ड लेट मी सी फर्स्ट, एक्स ऑफिशियो करके ना अपॉइंटमेंट एंड एक्स ऑफिशियोस, ये सुनो, दिस इज द हेडिंग ना, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो, ठीक है, सेम हेडिंग अपॉइंटमेंट्स एंड एक्स ऑफिशियो लिखना और वहां पे लिखना normally when the officers are appointed there are two ways to appoint officers point number one direct appointment of officer point number 2 make a reference of appointment to other authority bracket mein ex officio रेफरेंस के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी, एग्जाम्पल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी। चलो डन एवरीबॉडी, देख लिया सबने? हाँ आना, समझ में आया पक्का मैंने क्या बोला बच्चों? ओके नेक्स्ट वन, मुझे बताओ अगर किसी अथॉरिटी को अपॉइंट, मतलब किसी पर्सन को अगर अपॉइंट करने का पावर दिया है तो उसी पर्सन को वापस से आप डिसमिस या सस्पेंड कर सकते हो क्या? सिंपल, सीजी ने अगर किसी को अपॉइंट किया तो सीजी उसको डिलीट करेगा, जिसने अपॉइंट जो तारेगा वही मारेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो हाँ लिखना, इफ एनी पर्सन हैज अ पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स, साइड में इफ एनी पर्सन हैव अ पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स, एनी पर्सन हैव पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स, ही विल ओनली हैव पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स, ही विल ओनली हैव पावर to remove or dismiss them, he will only have power to remove or dismiss them. Sure, done everybody. He will have power to remove or dismiss them. लिखना हो गया बच्चों सबका? नीचे substitution of functionaries. Now functionaries मतलब officers को अगर आपको substitute करना है, किसी को निकाल के किसी को replace करना है, क्या आप कर सकते हो? साइड में लिखे नोट नेक्स्ट इसके सेक्शन नंबर 17 में, normally authorities have power, authorities have power to shift the functions from one person to the another, shift the functions from one person to the another, shift the functions from one person to kisko bolega bar another, and also replace a person and also replace a person under such a power, also replace a person under such a power,
ओके नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय सक्सेसर्स? बाप मर गया तो उसका बेटा क्या हो जाता है? सक्सेसर। नाउ इसी चीज को मुझे बताओ, व्हाट डू मीन बाय सक्सेसर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में? समझो कोई बंदा है 60 इयर्स ऑफ एज में रिटायर हो गया, तो उसके जगह पे दूसरा आएगा, उसे सक्सेसर कहेंगे, खत्म बात। क्लियर? लिखना है उसको या पढ़ लोगे? समझ में आया सक्सेसर? पढ़ लेना। नीचे ऑफिशियल चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स, तो इन्होंने हायरार्की बोली है कि नॉर्मली चीफ का मतलब होता है सुपीरियर अथॉरिटी और सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है इंफीरियर अथॉरिटी, खत्म बात। उसके ऊपर उन्होंने केस भी बना दिए, केजी कृष्णैया वर्सेस स्टेट, उसके अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया कि भैया सक्सेसर्स क्या होते हैं, सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी एक बार रीड करना जरूरी है तो मैं ले रहा हूं। ओके, अब यहां पे जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है ये थोड़ा सा काम का हो सकता है, हालांकि काम का तो कुछ चीज नहीं है इस एक्ट में, बट फिर भी सुभाष राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर एक केस हुआ था, सेक्शन नंबर 20 के अंदर इसको बोला गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा इशूड अंडर द एनएक्टमेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सिंपली बोला गया है कि सम जो हमने कंपनीज एक्ट 2013 मनाया, कौन सा एक्ट बोले एक बार उसे? कंपनीज एक्ट। ईयर कौन सा है सब जन बोले एक बार? 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 में सभी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखे हैं बच्चों? बोले एक बार, सेक्शन नंबर 2। अब इस कंपनीज एक्ट 2013 में जब कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा या जब कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन लगेगा तो कौन देगा क्लैरिफिकेशन? अरे बोलो। सो नॉर्मली डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी संभालेगा, और क्लैरिफिकेशन होगा तो डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन देगा। डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में तीन चीजें देता है, कौन कौन सी बोलो सबजन? सर्कुलर्स, दूसरा कौन सा? रूल्स, तीसरा कौन सा? नोटिफिकेशन। और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के क्या आते हैं बोले एक बार? जैसे केसेस। सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी के क्या आते हैं? केसेस। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर हाईकोर्ट नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ, समझो इन सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशन केसेस या ऑर्डर्स में कोई टेक्निकल वर्ड यूज किया है तो उस टेक्निकल वर्ड की मीनिंग के लिए क्या हम सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट रेफर कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो हाँ है ना, बस इतना ही बोला है। ओरिजिनल एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सर्कुलर रूल नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के केसेस के ऑर्डर्स में भी अप्लीकेबल होंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, मस्त लॉ है ना, एकदम मजा आ रहा है तुमको? बोलो हाँ है ना, चेहरे पर से एकदम अच्छा लग रहा है तुम्हारी चेहरे देख के, बहुत बढ़िया शानदार। ऐसा ही है ये लॉ, कुछ नहीं है जीवन, ऐसा ही है, कुछ कर नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा जीवन धंड है। मैं तो डबल पागल हूं इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं तो पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं, समझ मेरी हालत समझो तुम। तो बेसिकली यहां बोला है कि एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन बोले है तो वो डेफिनेशन उस एक्ट के लिए जो सर्कुलर रूल नोटिफिकेशन और ऑर्डर है उसको भी लग जाएंगे। कंसेप्ट समझ में? तो साइड में नोट दिख रही, लिख के रखिए। व्हेन एनी डेफिनेशन इज मेंशनड इन द एक्ट, व्हेन एनी डेफिनेशन इज मेंशनड इन द एक्ट, when any definition is mentioned in the act, any definition is mentioned in the act, then the same is also applicable, then the same is also applicable to circular rules notifications, to circular rules notifications, सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स पास्ट अंडर सच एक्ट, टू सर्कुलर रूल नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स पास्ट अंडर सच एक्ट। फुल स्टॉप। ओके, अब रजिस्टर के अंदर एक हेडिंग डालना, ठीक है, रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालना। अब ये है हेडिंग डालिएगा, द ड्राफ्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स, द ड्राफ्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स रिगार्डिंग द लॉ। अब इसके बाद की चीजें, अभी तक तो तुम्हारा पेशेंस टिक गया, इसके बाद की चीजें तुम पढ़ोगे तुम मरी जाओगे, तो उससे अच्छा मैं उसको लिखवा के दे दूं स्ट्रेट अवे, द ड्राफ्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स अंडर द लॉ। ओके, पॉइंट नंबर वन, कंस्ट्रक्शन अंडर द लॉ लिख लिया, उसके अंदर पॉइंट नंबर वन, द पावर टू इशू, द पावर टू इशू, द पावर टू इशू सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशंस,
the power to issue circular rules notifications also includes the power to issue circular rules notification also includes the power to amend the power to amend them power to amend them full stop केस का नाम लिखना दिस वन रसीद जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मैक्सिमम स्टेट ऑफ यूपी के ही केसेस है रसीद जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उसी पॉइंट के लिए केस लॉ है हा लिख लिया सबने फुल स्टॉप पॉइंट नंबर टू ओके द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर नॉट ओनली टू एनैक्ट द लॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर नॉट ओनली टू एनैक्ट द लॉ नॉट ओनली टू एनैक्ट द लॉ बट ऑल्सो इशू issue circular rules notification regarding such a laws but also to issue circular rules notifications regarding such a laws next point third point Whenever the central government creates, whenever the central government or authority creates, whenever the central government or authority creates new rules or bylaws, whenever central government or authority creates new rules or bylaws, authority creates new rules also bylaws, new rules or bylaws, they have power to publish them. They have power to publish them and their effects in a manner as required in a manner as required as on date comma as on date it will be considered as on date it will be considered and approved as on date it will be considered and approved ठीक है next one अब नीचे दूसरा heading डालिएगा यह मैंने drafting और construction के लिए लिखा last वाला heading डालिएगा miscellaneous last वाला मेन heading miscellaneous इसमें कुछ points लिखवाने हैं Okay. Normally the fines and penalties under any law. Normally the fines and penalties under any law shall be recovered. Normally the fines and penalties under any law shall be recovered. As per CRPC, CRPC पता है? Criminal Procedure Code. As per CRPC और IPC, IPC Indian Penal Code shall be recovered as per CRPC or IPC. Full stop. Point number two. अब ऐसा है कि समझो कोई ऑफेंस है जो दो लॉज के अंदर पनिशेबल है जैसे आपने फ्रॉड किया तो कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन लगता है 447 फॉर फ्रॉड आपको शायद नहीं पता सेबी में भी एक सेक्शन है फ्रॉड का दैट इज सेक्शन नंबर 15HA हा हा फ्रॉड हो गया 15 कौन सा एच ए हा हा क्या हो गया फ्रॉड हो गया
तो 15HA के अंदर मेंशन किया गया है कि फ्रॉड करने के ऊपर भी पेनल्टी है। अब फ्रॉड करने के ऊपर कंपनीज एक्ट में भी पेनल्टी और सेबी में भी पेनल्टी है, कौन सी माने जीवन में, उसी के लिए ये पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 2 लिखना, व्हेन अ डिफॉल्ट इज पनिशेबल, व्हेन अ डिफॉल्ट इज पनिशेबल अंडर 2 or more laws under 2 or more laws then the offender will be punished in both the laws, the offender will be punished in both the laws unless they have overriding effects, unless they have overriding effects, जब तक एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करता। इस केस में अब सेबी कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है तो सेबी का पेनल्टी लगेगा, ठीक है। ऐसा आपको अगर एक बेस्ट लॉ बोलू, पीएमएलए सुना है तुमने, पीएमएलए द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट, आपको एक मस्त ऑफेंस बोलता हूं, नार्कोटिक्स वाला ऑफेंस। अभी बॉलीवुड के बहुत सारे लोग पकड़े गए थे नार्कोटिक्स में, आपको पता है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप ड्रग ऑफेंस में पकड़े जाते हो तो आपको लग जाता है नॉन बिलेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस बोला एक बार, नॉन बिलेबल। और नार्कोटिक्स के अंदर लिखा गया है कि नॉन बिलेबल ऑफेंस के अंदर आपको जेल हो सकती है अप टू 5 years। अब नार्कोटिक्स में अप टू 5 years की जेल बोली है, सिमिलर ऑफेंस इन्होंने पीएमएलए में लिखा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और वहां पर जेल बोली है 3 साल से 10 साल। मतलब आपको नार्कोटिक्स की 5 साल लगेगी और दोनों में से कोई लॉ एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करता। सो नार्कोटिक्स की 5 साल और पीएमएलए में 3 साल से 10 साल में से कुछ भी लग सकता है, मतलब इसमें पूरा तुम्हारा जीवन। आंसर समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज को याद रखना, दोनों ऑफेंस साथ में ट्राई किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अब ये बहुत बेकार पॉइंट है, मेरे को बिल्कुल कोई गाली नहीं देगा। द सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट मींस लिखना है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट मींस Sending it by registered post. मेरे को कल जाना है on proper address by paying requisite charges। कितने मस्त प्रोविजन है, by paying requisite charges। नेक्स्ट पॉइंट मुझे एक बार बताओ, मैंने तुम लोगों को केस लॉ पढ़ना सुनाया समझाया था, याद है वो केस लॉ एक्स वर्सेस यू, पेटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट, और फिर मैंने बोला था कि लव जर्नल, फिर कौन से कोर्ट में केस हुआ था, कॉम कैस सीसी नंबर पेज नंबर, और मैंने उसको नाम दिया था साइटेशन। याद है साइटेशन की ये केस आप कहां पे देख सकते हो, ये यहां पे आया साइटेशन ऑफ एनएक्टमेंट, कि आप इस लॉ को कहां ढूंढ सकते हो। इसको हम नहीं लिखने वाले क्योंकि तुमको ये ऑलरेडी पता है, इसके ऊपर पूछा नहीं जाएगा। लास्ट वाला प्रोविजन लिखना, द प्रोविजंस ऑफ द ओल्ड लॉज, हेडिंग नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग नहीं है, द प्रोविजंस ऑफ द ओल्ड लॉज रूल्स रेगुलेशंस देयर अंडर विल कंटिन्यू टू अप्लाई विद द न्यू लॉज unless it is specifically deleted or repealed, full stop। इसी के साथ आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट होता है खत्म। पूरे 2 pages को अपन ने तुम्हारे लिए जमा करके पॉइंट वाइज फॉर्म ने घोट दिया, ठीक है।
इसको लेक्चर नहीं समझा डबल डबल देखिएगा, एक्ट वैसे ही बेहद बे कल के लिए। अच्छा अब जिनको सुनो तो, एक मिनट सुनो, शांति से बैठो, जिनके पास समय होगा वो अगले 15 मिनट मेरे साथ कैरी करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सब्जेक्ट का नहीं करना है, एक आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट छोटा डिस्कशन करना है। जिनको ट्रेन है वो कृपया चले जा सकते हैं, बस है चले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में यहां एंटरटेन करने वाला हूं कि सर मैं इसके बाद में एक ग्रुप प्रिपेयर करूं या बोथ ग्रुप प्रिपेयर करूं, ठीक है? जिसको नहीं सुनना है दे कैन टेक अ लीव, पर दोनों के मैंने बताया था ऑलरेडी, बट यहां से मैं एक ही बार और बताना चाहूंगा 5 मिनट के लिए, देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा, जिसकी जो श्रद्धा। एक बंदा यहां बैठा होगा, मैं उसको बताऊंगा, मेरा काम है बताना। जिसको नहीं सुनना इट्स ओके, नॉट अ इशू, कोई कंपल्शन थोड़ी है। लाइव स्ट्रीम में जो है आपको सूचना है, 9 बजे के पहले छोड़ ही दूंगा, हो जाएगा 5-1 मिनट में डिस्कशन, ठीक है? जिसको जाना है जा सकता है, नॉट अ इशू। जिसको जाना है जल्दी जाइए, अर्जेंट में जाइए, तुरंत से भी पहले जाइए, टाइम पास ना कीजिए प्लीज, दूसरे के पास इतना समय नहीं है। चलो डन, जिसको जाना है जल्दी जाइए, जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज, ठीक है? देखो लास्ट बेंच, डिसीजन मेकिंग कर लो और जो करना है अर्जेंट में करो, मेरे पास समय नहीं है और ना ही एग्जिस्टिंग जो रुक रहे उनका समय हम वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी अर्जेंट में, ठीक है? डेस्क पे चढ़ के जाइए, जिंदगी में किसी के ऊपर चढ़ के कोई डजंट मैटर, जल्दी जाइए पहले, सिर्फ खत्म बात। चल आगे, जो लोग ये सवाल से फ्रस्ट्रेटेड है लाइव स्ट्रीम में भी और फेस टू फेस में भी, मेरे को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ये सवाल का जवाब पूछने आए थे, सो मेरा एक काम बनता है कि मैं आपको इसके ऊपर गाइड करूं, ठीक है? 5 मिनट के अंदर डिस्कशन खत्म करूंगा, उससे ज्यादा तुम्हारा लूंगा नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मुझे बताना जरूरी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर मैं एक ग्रुप प्रिपेयर करूं या बोथ ग्रुप प्रिपेयर करूं, आई विल आंसर यू वन सिंगल थिंग, भिखारीपन मत कर, मैं सच में, तू बैग लेके बाहर चल जा। आई विल आंसर यू वन सिंगल थिंग, टू अर्ली टू डिसाइड, अभी डिसाइड करना बहुत जल्दी है, इसके पीछे रीजन बोलता हूं। लेट्स कंसिडर तुमने ये डिसीजन फेब मिड में लिया, फेब 10 को, ठीक है, कि तुम्हें एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। फेब 10 इज अ डेट जब आपके नियरली सेकंड ग्रुप के सब क्लासेस खत्म होते आएंगे, हार्डली 5-10 दिन का डिफरेंस रहेगा, ठीक है? तुमने डिसीजन फेब 10 को भी लिया कि तुमको एक ही ग्रुप देना है, फिर भी तुम्हारे पास 80 दिन है, कम से कम दिन का 10 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारे पास 800 आवर्स है। अगर तुम 10 फरवरी को भी ये डिसाइड करते हो कि तुमने एक ही ग्रुप देना है, तो 800 आवर इज मच मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर वन ग्रुप इटसेल्फ। अगर 800 घंटे 10 फरवरी से बहुत ज्यादा है एक ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा इतना तो कॉन्फिडेंस है, कितना भी वाहियात पोजिशन क्यों ना हो तुम्हारा, पर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि 800 घंटे में मैं एक ग्रुप प्रिपेयर कर सकता हूं, इसमें किसी को दिक्कत है तो फिर गेम अभी ओवर है, फिर तो सोचो ही मत, ये सोचने का सवाल ही नहीं। पर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि सर मेरे पास 800 घंटे रहे तो मैं एक ग्रुप तो निकाल ही लूंगा। 200 घंटे पर सब्जेक्ट, इट्स मच मोर देन रिक्वायर्ड। सो इतना अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि 800 घंटे में आप पूरा एक ग्रुप निकाल लोगे फर्स्ट ग्रुप, तो मेरा सवाल यह है कि फिर आप 15 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी करने के वाले हो? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बात तो सही है ना, अगर तुमको पास होने के लिए 80 डेज ही काफी है तो तुम 15 दिसंबर से 10 फरवरी 2 महीने करोगे क्या? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सिंपल, इट्स सिंपल, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है कि 800 घंटों में तुम एक ग्रुप निकाल सकते हो, मतलब तुम 15 दिसंबर से 10 फरवरी टाइम पास करोगे अगर सिर्फ तुम एक ग्रुप दोगे, राइट? सो व्हाट आई सजेस्ट, सजेशन सुन लो, अच्छा लगे रख लो, नहीं लगे ओके, जीरो में और क्या जीरो है, अभी तो मानते हैं सब जीरो ही, ठीक है? फर्स्ट थिंग, व्हाट यू शुड डू,
प्राइमरी अनाउंसमेंट, तुमके सेकंड ग्रुप की जो क्लासेस है ना वो है 2 घंटे पर क्लास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 सब्जेक्ट 8 घंटे। तुम्हारी फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस ये 11 घंटे चल रही थी, मतलब अभी एक्स्ट्रा लेके 14, मैं प्राइमरीली बोल रहा हूं, स्ट्रिक्ट टू प्राइमरी थिंग्स। तो तुम्हारी फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस पहले 2 घंटे 2 महीने तो 11 घंटे चल रही थी, पर ये 8 ही घंटे चल रही है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी, यू हैव 3 घंटे नहीं, यू हैव 2 आवर्स ऑफ एडवांटेज ऑलरेडी। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप का होमवर्क करने के लिए तुमको कितने घंटे लगे डेली? 1.5-2 घंटे, 1.5-2 घंटे, अनलेस एंड अंटिल बहुत वाहियात खतरनाक भयंकर वाला टीचर है कि भैया तुमको दे उठा के पेली दिया पूरा सब्जेक्ट होमवर्क। तो कैन आई से, सिंपल सी बात समझिए, बात को सिंपल सी बात समझिए, कैन आई से बेटा, तो कैन आई से कि ये जो 2 घंटे तुम्हारे बच रहे हैं इट इज सफिशियंट फॉर योर होमवर्क ऑफ सेकंड ग्रुप ऑल्सो। मतलब अभी जो तुम 8 से 7 के बीच में क्लास कर रहे हो और बाद में जब तुम घर पे जाके 2 घंटे होमवर्क कर रहे थे, वो अभी इक्वेशन ही हो जाएगा कि 8 to 7 में तुम्हारा क्लास भी हो जाएगा और होमवर्क भी हो जाएगा। हाँ या हाँ, समझ में आ रहा है पक्का? अब अगर 8 से 7 में तुम्हारा होमवर्क के साथ सेकंड ग्रुप हो रहा है तो बचे हुए 3 घंटे में करोगे क्या? तो आई विल गिव यू मस्त सॉल्यूशन, आई एम स्पीकिंग ऑन टेक्निकल टर्म्स, जो प्रैक्टिकल है वो मैं मेरे मन से नहीं लगा रहा। मैंने तुमको इसलिए सबसे पहले फटे का सवाल पूछ लिया, 800 घंटे में एक ग्रुप हो सकता क्या? अगर 800 घंटे में एक ग्रुप आपका हो सकता है, मतलब 15 दिसंबर से 10 फरवरी तुम टाइम पास करने वाले हो, तो मत करो ना। जिंदगी में हमेशा चैलेंजेस उठाने चाहिए या चैलेंजेस से दूर भागना चाहिए? आज नहीं उठाओ कल कभी ना कभी तुमको चैलेंज फेस करना ही है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो मैं तुम्हें मस्त सिचुएशन बोल रहा हूं, तुम्हारा सवेरे 8 बजे से लेके शाम के लत से 5 बजे तक क्लास है सेकंड ग्रुप का, 8:30 से जो भी, बट मेरे को जहां तक पता है दिस वोंट गो बियॉन्ड, मतलब 2 घंटे तो तुम्हारे एडवांटेज में बचने ही वाले हैं। सवेरे का 1-1/2 घंटा ले लो, शाम का 1-1/2 घंटा ले लो, पर 2 घंटे तो एडवांटेज में बचने ही वाले हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग, सिंपली ट्राइंग टू से, रफली इफ वी कैलकुलेट दिस शेड्यूल एज 8 to 7 विद द होमवर्क, ये छोड़ के जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे वीक बचा है फर्स्ट ग्रुप का, एनीथिंग, लॉ भी हो सकता है, कॉस्टिंग भी हो सकता है, DTGST भी हो सकता है, अकाउंट्स भी हो सकता है, आपकी मर्जी, जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसके उठा के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा लो। तुम्हारे पास 2-3, चलो ये 3 घंटे तुम्हारे पास नहीं बचे, 2 ही बचे, होमवर्क वगैरह सब छोड़ के तुम्हारे पास 2 ही घंटे सिर्फ ग्रुप 1 का बैकलॉग निकालने के लिए बचे। ओके, तो तुम इतना तो कर सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, चैप्टर वाइज, एक चैप्टर पढ़ने का टेस्ट देने का, एक चैप्टर पढ़ने का टेस्ट देने का, इतना कर सकते हो। मतलब 8 to 7 में तुम्हारा होमवर्क प्लस सेकंड ग्रुप चल रहा है रेगुलर, ऊपर से 2 घंटे में तुम एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगाए हो उस सब्जेक्ट की जो तुम्हारा सबसे वीक है, जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। लेट्स अज्यूम मैक्सिमम केसेस में कॉस्टिंग, जो मुझे सुनाई दिया उसके हिसाब से, जरूरी नहीं आप सबका जैसा हो, आप उसके जगह दूसरा ले लो, उसको उठाओ डेली सिर्फ 2 घंटा, डेली सिर्फ कितना घंटा, 2 घंटा उसको लो, पढ़ो 3-4 दिन 1 चैप्टर टेस्ट, पढ़ो 3-4 दिन 1 चैप्टर टेस्ट, और वो भी उसी टाइम में देना जिस टाइम पे तुम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई एक्स्ट्रा वैगेंट एफर्ट्स नहीं, सिंपल एफर्ट जितने तुम फर्स्ट ग्रुप में कर रहे थे, उतना ही समय जितना तुम फर्स्ट ग्रुप में विथ होमवर्क दे रहे थे, उतना ही समय सेकंड ग्रुप का होमवर्क प्लस फर्स्ट ग्रुप का एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट दिस कैन बी डू। प्रैक्टिकल लग रहा है सोचने में, बोलो हाँ या ना। अब बात को समझो, अगर तुमने ये किया 15 दिसंबर से, तुमने एक चैप्टर भी शुरू कर दिया, एक सब्जेक्ट भी शुरू कर दिया, कैन आई से सब बैकलॉग वगैरह निकाल के, सब टेस्ट वगैरह दे के 15 जनवरी तक के तुम्हारा जो वीक सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा 1 महीना, बोलो हाँ या ना। कैन आई से, मतलब एक सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप का जो वीक था, एक सब्जेक्ट यहां स्ट्रांग हो गया। सेम 15 जैन से 15 फेब में सेम शेड्यूल अगर हमने रिपीट किया,
तो दूसरा जो वीक सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रांग हो गया, बोलो हाँ है ना। मतलब सेकंड ग्रुप के होमवर्क और प्रिपरेशन के साथ तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप के दो सब्जेक्ट जो वीक थे वो स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर तीसरा फर्स्ट ग्रुप में सब्जेक्ट आपका वीक है तो छोड़ दो, फिर ये प्लान आपके काम का ही नहीं है। एटलीस्ट दो तो प्रॉपर होने चाहिए ना, ठीक है। दो मैंने दो की मुभा रखी है और दो प्रैक्टिकल है, दो सब्जेक्ट तुम हैंडल कर सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल बात करनी है। क्लास शेड्यूल जो मेरा है फर्स्ट ग्रुप का जितना मेरा, सिंपली दिन का 11 घंटे, दिन का 11 आवर्स, व्हाट आई विल डू सेकंड ग्रुप के क्लास, साथ में आई विल डू होमवर्क ऑफ द सेम। ये मेरा 11 आवर्स खत्म। अब तुम ये फर्स्ट ग्रुप के 11 आवर्स थे ना, बोलो हाँ या ना, क्लास के, अरे बोलो हाँ या ना। प्लस साथ में तुम जो घर जाके होमवर्क कर रहे थे फर्स्ट ग्रुप का 2 घंटा, इसमें तुमको फर्स्ट ग्रुप का कोई भी वीक सब्जेक्ट उठाना है, एक महीना एक सब्जेक्ट, दूसरा महीना दूसरा सब्जेक्ट, टेस्ट देना है चैप्टर वाइज, धीरे 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 धीरे। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टाइम। इफ यू वर्क डेली इट कैन मेक यू द एलिट्स ऑफ द एलिट। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टाइम। तुम्हें लगता है 2 महीने में क्या होगा, तू बैठ तो सही, तू 2 घंटा 1 महीना पूरा पढ़ा, हो सकता है तेरा पूरा एक सब्जेक्ट बन जाए। सबसे पावरफुल पर्सन वो नहीं होता जो सब कुछ कर सकता है, सबसे पावरफुल पर्सन वो होता है जो एक ही चीज के ऊपर फोकस करके सालों साल वही करते जाता है। समझ में आ रहा है, जो सब कुछ करते हैं उसकी एनर्जी हैवे जा रही है, जो एक ही चीज के ऊपर फोकस करके सालों साल वो कर रहा है, ही विल रीच टू रिचेस। सब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये सोल्यूशन है। तो 15 फरवरी को तुम्हारा सिचुएशन ये होना चाहिए कि सेकंड ग्रुप विथ ऑल सब्जेक्ट्स होमवर्क इज डन, होमवर्क एंड टेस्ट्स इज डन, साथ में फर्स्ट ग्रुप के 2 वीक सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गए हैं और 2 सब्जेक्ट जो एडिशनल है वो जो तुम्हारे पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे उसको तुमको पॉलिश करना है। पर ये पॉलिश के लिए हमने कोई सुविधा नहीं रखी है, ये पॉलिश अभी तक हमारा 15 फरवरी तक नहीं हुआ है। कंसेप्ट समझ में आया। अब 15 फरवरी को भी तुमने सोचा तो भी 75 डेज मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स, टिल यू हैव 750 आवर्स एट योर डिस्पोजल टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स अगेन। बैकअप का भी बैकअप प्लान है, समझ में आ रहा है। तुम्हारा बैकअप प्लान वो 750 से 800 घंटे है, उसमें तो तुम एक ग्रुप निकाल ही दोगे, ठीक है। अब वो बैकअप प्लान जब तुम्हारा रेडी है तो लेट्स वर्क ऑन दिस प्लान। एडवांटेजेस, अगर तुम सीए इंटर में बोध ग्रुप देने की हिम्मत रख रहे हो, लाइफ टाइम गिल्ट नहीं सताएगा। दूसरा एडवांटेज, सीए इंटर पे तुमने बोध ग्रुप दिए, चलो रिजल्ट का हमें नहीं पता, एक ही ग्रुप निकलेगा लेट्स से, पर हिम्मत फाइनल पे टूटेगी नहीं। फाइनल पे भी तुम बोध के लिए अपेयर करने के पहले सोचोगे नहीं, पर तुमने इंटर पे ये सोचा मैं एक ही दू तो फाइनल पे तो अभी से एक डिसाइड हो गया, ठीक है। और जो ये सोच रहे हैं कि मैं मई 23 के अंदर एक ग्रुप दूंगा और नवंबर 23 के अंदर सेकंड ग्रुप दूंगा, ये नवंबर 23 में नहीं, ये मई 24 होने वाला है। ये अक्टूबर 2023 तक के तो ऑफिस वाला ही तुमको पूरा घसीटेगा, क्योंकि चलता है टैक्स ऑडिट, तुम्हारी लग गई आर्टिकलशिप ज्वाइन ही नहीं किया तो। अगर तुम आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा 6 महीना लाइफ का वेस्ट कर रहे हो, विच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज, मत करो। अ बैड डिसीजन फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू लूज अ मनी, ठीक है। जो ये सोच रहे कि एक ही ग्रुप करके मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करूंगा, तो एक काम करना, बोथ नवंबर में दे। आर्टिकलशिप ज्वाइन ही नहीं करनी है तो बोथ नवंबर में ही देना, खत्म बात। तू एक ग्रुप पास क्यों कर रहा है, आर्टिकलशिप के लिए तो कर रहा है ना भाई, बोलो हाँ या ना। एडवांटेज नंबर 3, तुम्हारे रिज्यूम के ऊपर हमेशा ये दिखेगा कि बोध ग्रुप पास साइमल्टेनियसली। ये ऑटोमेटिकली 80% ऑफ जनता के ऊपर एडवांटेज बनाता है, 90% जनता के ऊपर एडवांटेज बनाता है कि भाई बोध ग्रुप अपीयर्ड पास साइमल्टेनियसली। अच्छा इसमें सर कभी कुछ अगर बेकार हो गया, 800 आवर्स, अगर तुम्हें 10 फरवरी से 15 फरवरी में लगे नहीं मेरा प्लान भसक गया, बैकअप प्लान ऑन।
800 घंटे एक ग्रुप गेम ओवर खेलते जाओ, वो तो हो ही सकता है ना, वो तो कहां फेल है, वो तो मैटर ही है जीवन में, वो तो फिक्स करके बैठे करना है करके। और चलो गलती से ये वर्क कर लिया, ग्लोरी सोचो। दोज हु रिस्क कैन टेक अ ब्लिस, सिंपल एज दैट। ठीक है सर 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 सर, मैं सेकंड ग्रुप के क्लास फेस टू फेस करूं या जीडी पीडी में करूं? ये सवाल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत गौर से सुनना ये चीज। जिनका फेस टू फेस अभी तक के बहुत प्रॉपरली चला है और जिनके एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट फेस टू फेस में ग्रुप 1 में अच्छे से बने हैं, जिनका फेस टू फेस ठीक से चला है और एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट विथ होमवर्क ग्रुप 1 में फेस टू फेस में बने हैं, दिस इज अ टेस्टेड वेरीफाइड ओके फॉर्मूला फॉर यू। जो फॉर्मूला टेस्टेड वेरीफाइड ओके है उसको रीटेस्ट नहीं करते, उसके ऊपर वापस से वर्क करते हैं। अगर फेस टू फेस में ऑलरेडी 2-3 सब्जेक्ट तुम फेस टू फेस में बना चुके हो, तुमको क्यों गोवर्धन पर्वत उंगली के ऊपर उठाना है? हाथ से उठा लिया ना, ओके वापस से हाथ से उठाएंगे, खत्म बात। नहीं, मेरे को वर्चुअल ट्राई करना है, चेंजेस इन लाइफ, एडवेंचर चाहिए ना। ये हमने कम दिया तुमको 11 घंटे का, कि तुम्हें और चाहिए? तो भाई साहब 100 बात की एक बात, अगर फेस टू फेस 2-3 सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए वर्क किया है, यू मस्ट गो इन टू फेस टू फेस, भले ही गर्दी में बैठना पड़े, गर्दी की तुमको आदत हो गई है, ठीक है, झंड लाइफ की भी तुमको आदत हो चुकी है, टीचर के गालियों को भी आदत हो चुकी है, क्लास में खड़े रहने की आदत हो चुकी है, क्लास से हकाले जाने की आदत हो चुकी है, अब इससे अच्छी आदत होगी कहां? समझ में आ रहा है? इफ दिस हैज वर्क फॉर यू, देन नथिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग फॉर सेकंड ग्रुप, सिंपल एज दैट। अगर अगर तुम फेस टू फेस तुम्हारे लिए 2-3 सब्जेक्ट के लिए वर्क किया है और बाद में तुम वर्चुअल में शिफ्ट हुए, गलती से वो प्लान फेल हो गया, तो क्योंकि वहां तुम रिलैक्स रहोगे, अभी सवेरे 8 बजे खुले रात को बहुत पार्टी के हैंगो सिर दुख रहा है, एक काम करता हूं लेक्चर कल करता हूं, वो कल कभी आता नहीं, पर यहां पे झक मार के उठ के आना पड़ेगा, बैकलॉग क्रिएट करना और क्लियर करना पड़ेगा, उसके सिवा तुम्हारी बात नहीं बनेगी। होमवर्क नहीं करोगे टीचर मारेगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो अगर ये वर्क किया है तो कृपया याद रखे, सो सिंपली आई एलिसिट एंड फाइनलाइज द प्लान एट द एंड। रूल नंबर 1, इट्स टू अर्ली, सब जन बोलो इट्स टू अर्ली। 10 फरवरी के बाद भी मेरे पास कितने घंटे बचे हैं? 800। दूसरी बात, अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को मेरा 2 महीना वेस्ट नहीं करना है, व्हाट आई विल डू, मैं 11 घंटे में सेकंड ग्रुप और उसका क्या करूंगा? होमवर्क। और जो 2 घंटे एक्स्ट्रा मेरे पास बचते हैं फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में, आई विल प्रिपेयर फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। कौन सा सब्जेक्ट? वीकेस्ट। कौन सा? वीकेस्ट। 1 महीने में एक सब्जेक्ट, नहीं चलो 2 महीने में एक सब्जेक्ट हुआ, अबे कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव तो नहीं हो रहा ना, क्लियर है? 2 महीने में एक सब्जेक्ट, चलो तुमने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक एक ही सब्जेक्ट किया चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में, फिर भी अचीव कर लिया भाई, रकम किया क्या? कंसेप्ट समझ में? और सबसे आखिरी एंड वाला डिसीजन हम 10 फरवरी को करेंगे, और अगर मेरे लिए फेस टू फेस वर्क किया है तो मैं फेस टू फेस में रहूंगा, मेरे लिए वर्चुअल वर्क किया है तो मैं वर्चुअल में रहूंगा। समझ में आया? पक्का। आज के लिए इतना काफी करते हैं, दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। अच्छा जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।